कौन डर डॉ सुबह हो गई और फिर से हम लोग लग गए हैं अपने अपने काम पे। वैसे हम लोग चाय पानी कर लिए हैं और अब बन रहा है खाना रोटी। गाइस आज जो काम चल रहा है ना किचन का, उसमें सबसे बड़ा वाला काम होने वाला है, एरोप्लेन आ गया। एरोप्लेन आ गया। जब भी आता है ना तो मुंह बंद करना पड़ जाता है क्योंकि उससे तेज तेज हम लोग को चिल्लाना पड़ता है, फिर भी एक दूसरे की आवाज नहीं आती। आश्वी बाबा के साथ इधर आओ। बाबा है बाबा। तो गाइस आज है ना सबसे बड़ा वाला काम होने वाला है जिसका हम लोग को इतने दिनों से इंतजार था छांव मिलने वाला है आज हम लोग को। मतलब जो हम लोग किचन बनवा रहे हैं ना उसके ऊपर टिन सेट लगेगा। पहले बताए थे कि वो बहुत ज्यादा लोड नहीं दे सकते इसलिए लिंटर नहीं लगवा रहे हैं, तो आज उसी का काम होने वाला है। आदमी लोग मिस्त्री लोग आ गए हैं, बाहर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है और हम जल्दी जल्दी फटाफट से खाना बना लेते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी जो है उसमें दो तरह का कटरैन है, एक पुराना कटरैन, एक पुराना टिन सेट और एक है नए तरह का टिन सेट। तो जो नया वाला है वो तो चमक ही रहा है और जो पुराना है तो उसमें गंदगी काफी है, तो इसी वजह से उसको साफ करवा रहे हैं ताकि दोनों अगर रखा जाए तो ज्यादा कोई गंदा है फिर कोई एक बहुत ज्यादा साफ ना लगे, थोड़ा बहुत मतलब सिमिलरिटी दिखाई दे, चलो दोनों साफ साफ दिख रहा है। तो अभी जो है 3-4 साफ हो चुका है और बाकी जो है ये लोग साफ कर रहे हैं। अभी बहुत मेहनत का काम है क्योंकि काफी दिन से वो कटरैन टिन सेट रखा हुआ था मेरे रिलेटिव के वहां से हम लोग लाए हैं और 4 कटरैन हम बाहर से खरीद करके लाए हैं। और पीछे वहां पर देखिए वेल्डिंग वाले लोग आए हुए हैं, ये टिन सेट जो सेट करेंगे वो लोग आए हुए हैं, तो वो अपना पाइप वगैरह काट रहे हैं वहां पे, वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं। ये वाला पाइप ना सबसे लंबा है क्योंकि ये वाला जो पाइप है ना वो ये वाला है स्पैन का है, ये सबसे लंबा है 21 फुट 10 इंच का लगभग, और थोड़ा सा छोटा भी पड़ा था इसलिए इसको थोड़ा सा वेल्ड करवा दिए क्योंकि अब इतने से टुकड़े के लिए पूरा लगा पाइप का खराब हो जाएगा। मेरे कपड़े आज आप लोगों को काफी फेडेड दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि जब से काम चल रहा है ना तब से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा कुछ भी, जो भी मिल रहा है पहन लो, जो मिल रहा है खा लो भैया, क्योंकि बिल्कुल साथ में लगे रहो तो बाकी कई सारा काम हम लोग का छूट जाता है, इसीलिए मेरा कपड़ा भी काफी फेडेड है। वैसे फायदा भी है क्योंकि गंदा होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, अच्छा कपड़ा अगर गंदा हो जाएगा तो उसको छुड़ाने में दिक्कत जाएगा। स्लोप हम लोग इधर की तरफ दिए हैं, इधर की तरफ, इधर जिधर खिड़की है ना किचन इसी साइड है तो स्लोप भी इधर ही रहेगा ऐसे करके। अब इधर एक और एक 2-3 पाइप और इधर रखाएगा और फिर एक उधर से यहाँ तक आएगा, इसमें लाके कनेक्ट करेंगे। और क्या चला रही है? कम फास्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, थोड़ी बहुत पूरी नहीं खत्म हुई है, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। बाहर और क्या, कमरे में ऐसा कौन सा चीज है भाई कि तुम रहेगा और देखोगी नहीं? कहाँ देखी हो? हाँ अभी सवेरे से जो काम हुआ है शाम तक तो वो तो अभी नहीं देखी हो ना। कितना तेज धूप है यार, कैसा लगा? हाँ गए हैं सब लंच करने के लिए। कंप्लीट क्या हो गया? अरे ऊपर देखो, ऊपर ये लग गया ना टीन सेट। हाँ ये तो लग ही गया, देखो इतना ही लगने से भरा भरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब अब बहुत ही कम काम बचा हुआ है। हाँ छाव मिल गया, कवर टाइप का लग रहा है, पैक टाइप का। इसमें दरवाजे के अंदर घुसते लेकिन फिर भी खुला खुला लगता था। हाँ ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था काम हुआ ही नहीं है, बहुत कम लग रहा था, लेकिन मात्र सिर्फ छावा जाने की वजह से
ऐसे लग रहा है कि हम लोग बहुत नजदीक हैं अपने मंजिल के। अब कुछ लग रहा है, लग रहा है ना मस्त है। देखो ये खिड़की भी बड़ा सा है, मजा आ रहा देख करके, उजेला उजेला है देखो पूरा, इधर दरवाजा से भी उजेला रहा है, ये किचन वाले खिड़की से उजेला। हाँ बारह दोपहर के 12 बजे के बाद हाँ। उधर से इधर धूप नॉन स्टॉप आता है, नॉन स्टॉप आएगा। गर्मी भी पानी वानी उधर से दिए हैं, थोड़ा सा पानी वानी गिर गया यहाँ पे, खैर अपने से सूख जाएगा, धूप तेज है फिलहाल में अभी। तो गाइस आज हम लोग की इंतजार की घड़ियां कुछ हद तक कंप्लीट हुई, क्योंकि हम लोग का टीन सेट छवा गया है, अभी आप लोग को दिखाया ही है। हाँ अब जो चीजें बची हुई हैं वो दो दो तीन तीन दिन की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइल लगवाना है, या फिर ये दरवाजा खिड़की वगैरह, और ये कबर्ड वगैरह जो छोटे छोटे दो तीन कबर्ड है उसको, यही सब तीन चार काम है। तो उसके बाद ये हम लोग के सामान शिफ्ट होने भर का तो हो ही जाएगा, बाकी तो चटरपटर जो भी बचा रहेगा छोटे मोटे काम वो तो अपना होता ही रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो काम है वो इम्पोर्टेंट वाला हो गया। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई इसी को कहेंगे, टीन सेट जो ऊपर रखाया हुआ है, क्योंकि इसको लग जाने की वजह से भरा भरा सा लग रहा है, मजा आ रहा है देख के, अब अच्छा लग रहा है ज्यादा। आवाज देखिए हमको तो मन कर रहा है कि अभी ला करके सारा सामान रख के बिना बाकी चीजों के हुए ऐसे ऐसे जो उसी लिए तो नहीं ला रहे ना। चलो इतना दिन जैसे इंतजार किए, थोड़ा दिन और इंतजार कर लेते हैं तो ये भी बन के पूरा हो जाएगा, लेकिन जब पूरा बन जाएगा ना तो बहुत सुकून बहुत मजा आएगा भाई, क्योंकि जो दिक्कतों का सामना हम लोग करते हैं ना उस किचन में जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसमें काफी दिक्कतें होती हैं, आज भी इतना सामान फेंकती है, फिर उसके बाद गंदगी भी तुरंत हो जाती है, जहां पे किचन रहता है वहां पे गंदगी होता है, ये चीजें गिरती रहती हैं, अब उसके वजह से हम लोग का कमरा भी खराब हो जाता है। अब यहाँ रहेगा सेपरेट तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर देखो पंखे के लिए लगा दिया है यहाँ पे वेल्ड करके, पंखा के लिए भी व्यवस्था कर दिया है, पंखा लटका देंगे तो खटर पटर नहीं करेगा, क्योंकि टीन सेट वगैरह में जब पंखे चलते हैं ना तो पूरा वो वाइब्रेट करता है और आवाज आता है, इसलिए उसको वेल्ड करवा दिए ऊपर साइड में, अब वो कितना भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर से हम लोग हटाएंगे ना पर्दा वगैरह, चाहे जो भी खट से पूरा उजेला हो जाएगा। बाकी ये चीजें अभी पड़ी हुई यहाँ पर, जो सामान वगैरह यूज हुआ था वो भी हट जाएगा, जब पूरा बन जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। टूटू काइट, अरे यार धूप में काइट कहाँ दिख रहा है, इतना तेज धूप है इधर से ना भाई, धूप बहुत तेज आती है, ये पश्चिम साइड है, इधर से जब भी धूप आएगी 12 बजे के बाद तो इधर एंट्री साइड में बहुत तेज धूप आएगी, तो इधर से पूरा हीट करेगा, लेकिन खैर उसका फायदा भी है, उजेला भी अच्छा खासा आएगा पूरा, जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तुरंत से पूरा उजेला अंदर चला जाएगा। ठंड में तो भैया एकदम मजा आ जाएगा, यहाँ पे बाहर चौकी वगैरह लगाइए, यहाँ पे चाहे ये क्या कहते हैं कुर्सी वगैरह लगा करके बैठिए, मस्त धूप मिलेगा हम लोगों को। अच्छा अच्छा काम तो ऐसा कुछ धूल धकड़ा वाला नहीं हुआ है, तो कैसे इतना भट गया कपड़ा वगैरह? कपड़ा नहीं फटा है, सर्फ बकवास में आया। अच्छा सर्फ बकवास में आया, इसलिए हम कह रहे हैं काहे इतना धूल निकल रहा है। अरे बस कर तुम्हें, जब भटा दोगे क्या हम? अच्छा देखो धूप फिर से, अरे यार धूप देखो फिर से वैसा वाला हो रहा है, चेंज मौसम वाला, यही हम लोग को नुकसान किया था सर्दी जो काम बुखार पकड़वा दिया था, अभी देखो ठंडा मौसम था कल इतना अच्छा और आज जो है फिर से धूप हो गया। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ना देखने पे, मजा आ रहा है, सब्र का फल मीठा होता है नहीं। तो गाइस अब चलते हैं अंदर, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है और बस अब पसीना ऐसा आने वाला है कि पूरा ऐसे करके फेंकना पड़ जाए, इससे पहले हम लोग अंदर चलते। सो रही है तो खैर चलिए आज के भी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज का भी ब्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आशी तो सो रही है, ये देखिए दिन में भी सो जाती है सुबेरे, नजर मत लगाइए प्लीज। उसके सोने पे ना, अरे उठी 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 उठी, दिन में थोड़ा सा सो जाती है, सुबेरे तो वही 7:30 बजे उठ जाती है, फिर रात में सो जाती है। हम लोग सोचे कि चलो वीडियो
कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अभी सोई हुई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा बनाने में वीडियो, क्योंकि जब उठी रहती है तो उसको चैं पै चैं पे इधर पकड़ो उधर पकड़ो ज्यादा दिक्कत होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आठ सी के बाय बाय।